देश में जो लोग भी कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, तुम्हारी जान पे जाने बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसा मनीष भाई कर रहे हैं, बाकी लोग टीम काम कर रही है, मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद, जिस भी कारण से लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। सबसे पहली बात यह है, लोगों को समझाया जाए, मोहल्ले में, पड़ोस में, मार्केट में जाकर के लोगों को बताइए, अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और सरकार की गलत नीतियों की सजा आपको नहीं मिल सकती। और इतिहास गवा रहा है, जिन लोगों ने भी, जिसके साथ भी अन्याय किया, अत्याचार किया, समय आने पर जनता ने बदला लिया है। अब जनता मूर्ख नहीं है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ हो सकता है, जब उन्हें राहत दी जा सकती है, तो आम इंसान का 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक का लोन माफ क्यों नहीं हो सकता है? और सदन में सरकार कह रही है कि हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत देते हैं, आम इंसान ने क्या गलती कर दी? और जो लोग गलत कदम उठा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आप में से कोई कर्जे की दलदल में फंसा, बिल्कुल मत घबराइए, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, कोई गलत कदम मत उठाइए। जैसा अभी बेंगलोर में हुआ, एक इंजीनियर लड़का था, उसने अपनी 2 साल की बेटी को पानी में डुबोकर मार दिया क्योंकि वो खाना मांग रही थी और उसके पास उसको खाना खिलाने के पैसे नहीं थे, क्योंकि लॉकडाउन में जो नौकरी छूटी उसके बाद से उसे नौकरी नहीं मिल पाई। अब लॉकडाउन तो उसने नहीं लगाया था, लेकिन परिवार तो उसका तबाह हो गया, पिता जेल में चले गए, बेटी दुनिया में नहीं रही, परिवार टूट गया। ऐसा कोई गलत कदम मत उठाओ। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बहुत सारी दिक्कत है, खासकर से जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसको बहुत दिक्कत आई है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को दिक्कत आई है, होटल इंडस्ट्री को दिक्कत आई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। सरकार को इसे समझना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन आप लोगों तक मैं पहुंच गया, अब आप और लोगों तक जानकारी भेजूंगा। लोगों को बताओ कि जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं वो परेशान ना हो, सिर्फ इतना बताओ मोहल्ले में, पड़ोस में, कि अगर कोई कर्जा हो किसी के ऊपर तो वो निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ सकता है। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं देना किसी को, ना फॉर्म के नाम का, ना रजिस्ट्रेशन के नाम का, ट्रेनिंग के नाम का। और मनीष भाई से संपर्क में रहो, ये आपको ट्रेनिंग भी कराएगा, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग है, वो अटेंड करो आप। उस ट्रेनिंग में बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, और साथ में व्यापार में तरक्की कैसे करनी है, क्योंकि भाई ने केंद्र खोला है, इनको मैं सिखाऊंगा पहले अपने व्यापार में तरक्की कैसे करनी है, ये सीखेंगे, आपको सिखाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि कर्जा माफ हो गया बात खत्म हो जाएगी, कर्जा माफी के बाद अगला स्टेप होगा हमारा, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक की जाए, क्योंकि आज कमाई के साधन नहीं बचे, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और बहुत सारी जगह साहूकार, बैंक वाले, एनबीएफसी वाले बहुत लोगों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। यदि कोई आपको गाली गलौज करता है, मिसबिहेव करता है, टॉर्चर करता है, तुरंत उसकी कंप्लेंट करो। और जो कोई रिकवरी एजेंट आता है, बैंक से आए, एनबीएफसी से आए, तुरंत उससे पूछो भाई अपना आई कार्ड दिखा, बिना आई कार्ड के वो नहीं आ सकता। आई कार्ड के बाद उससे पूछो, आपके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होगा, ये डीआरए क्या होता है, डेप्ट रिकवरी एजेंट, उसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसकी ट्रेनिंग होती है, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली होती है वो गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं कर सकते। फिर उससे पूछो कि अगर कोई कंपनी से आए, तुम्हें कंपनी ने, बैंक ने तेरे को काम दिया होगा ना, तो जॉब ऑर्डर दिखा, क्या है तेरा जॉब ऑर्डर। तो जो नकली रिकवरी एजेंट घूम रहे, अभी भी हम लोग ग्वालियर में मिले, एक महिला बता रही है, उसको रिकवरी एजेंट क्या बोलता है कि आप मेरे पैसा नहीं दे पा रहे तो आप मेरे साथ सो जाओ। इस तरह से हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम चुप बैठे रहेंगे। ये चुप बैठने का समय नहीं है, बोलने का समय है। जो भी हमारे साथ गलत करेगा, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करेगा, उनकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश करेगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सरकार चाहे किसी की भी हो, नेता कोई भी हो, उन्हें हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। इस तरह से कैसे कोई बैंक वाला कह सकता है, कैसे कोई कर्मचारी कह सकता है, कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है किसी बहन बेटी को ऐसा कह दे। कल भी कटनी में कई लोग आए थे जबलपुर से, उन्होंने बताया कि वहां पर साहूकार क्या करते हैं, जिन साहूकारों से हमने पैसा लिया होता है, अगर हम किस्त टाइम पर नहीं दे पाते, ब्याज नहीं दे पाते, तो वो कहते हैं अपनी बहन को भेजो, अपनी बेटी को भेज दो मेरे पास। इस तरह का माहौल देश में चल रहा है, हालत बहुत खराब है, लोग अपनी स्थिति को किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये समय डरने का, घबराने का, भागने का नहीं है, ये समय संगठित होकर लड़ने का है। कोई गलत कदम भी नहीं उठाना है, किसी के साथ गलत करना भी नहीं है, और जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को कम करने की कोशिश करें। इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता जो मनीष भाई कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है कि आप किसी की मदद करें, किसी को रास्ता दिखाएं। और मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, 7 बार वित्त मंत्रालय में डेलीगेशन भेज चुका हूं,
2 लाख से ज्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसी साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, जानकार से लिया और आज आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, आप निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ सकते हैं। कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म मेरे पेज पर मिल जाएगा, शाहनवाज चौधरी भारतीय, जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वहां पर फॉर्म मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरिए, मनीष भाई के पास भी फॉर्म का लिंक है, वहां पर भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, निशुल्क है। और अपनी स्थिति बताइए, आप लोन भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं, आपका व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा, नौकरी काम धंधा है कि नहीं है, सरकार तक मैं ये जानकारी पहुंचाऊंगा। और जिस दिन ये संख्या 1 करोड़ हो जाएगी, मेरा विश्वास करिए, सरकार को सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। तो हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग है, हर उस व्यक्ति का कर्जा माफ हो जो कर्जे की दलदल में फंसा सरकार की गलत नीतियों के कारण, जो नोटबंदी के बाद, GST के बाद, लॉकडाउन के बाद कर्जे की दलदल में फंसे, जिनका व्यापार छूटा, नौकरियां छूट गई, उन सबका कर्जा माफ होना चाहिए। जिनका सरकार कर्जा माफ नहीं कर सकती, उन्हें कम से कम 2 साल का समय सरकार देगी, 2 साल तक उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं भरना, कोई EMI नहीं पे करनी, कोई पेनल्टी, कोई सरचार्ज ना लगे। और तीसरी हमारी मांग क्या है, तीसरी हमारी मांग है, जो अनाप शनाप एप्लीकेशन से लोन ले जाते हैं, जो साहूकार, जो पैसे देने वाले NBFC वाले लोग बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, इनके कंपनियों को बंद किया जाए। और जो हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। इस सबको हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई भी ऐसा करता है तो इलीगल। मेरी पूरी टीम है पूरे देश में, अभी आप यहाँ जो देख रहे हैं हमारी टीम में, हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी हैं, ये मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी भी हैं कर्जा मुक्ति अभियान के, पंजाब के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हमारी टीम में। हमारे साथ डॉक्टर विजय तोमर भारतीय जी हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति के कर्जे माफी की जिम्मेदारी उन्होंने ली है और लगातार हर दिन सैकड़ों लोग इनके साथ जुड़ गए हैं। जो लोग परेशान हैं, आपको भी कोई परेशान करता है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ पवन भाई हैं, वो एडवोकेट भी हैं, इंदौर के लोकसभा प्रभारी भी हैं। आरिफ भाई हमारे साथ, ये भी भोपाल के प्रभारी हैं हमारे कर्जा मुक्ति अभियान के, और ये लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं। पूरी टीम है, इसी तरह के मध्य प्रदेश में और लोग हैं, हर लोकसभा में हम लोग टीम तैयार कर रहे हैं। मनीष है, हम मनीष को यहाँ की जिम्मेदारी दे रहे हैं, जैसे 10,000 लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे यहाँ के, उनको यहाँ का लोकसभा इंचार्ज की जिम्मेदारी देंगे, ताकि इनको आगे बढ़ने का भी मौका मिले। हम अपने भी ऐसे लोगों को लेकर के आएंगे जो जनता की समस्याओं को सुनेंगे और समाधान भी करेंगे। मैं क्योंकि आगे निकलना है अभी, इसके बाद इटावा मेरा कार्यक्रम होने वाला है, इटावा के बाद मैं अलीगढ़ जाने वाला हूँ, और पिछले लगभग 7 दिन से दिल्ली से निकला हूँ। पहले महाराष्ट्र में था, उससे पहले मध्य प्रदेश में इंदौर में हमने कार्यक्रम किया, भोपाल में किया हमने कार्यक्रम, उसके बाद हम लोग कटनी गए, देवास में किया कार्यक्रम, सागर में किया कार्यक्रम, अभी आज सुबह भी हमारा कार्यक्रम था, आज सुबह हमने झांसी में कार्यक्रम किया था, अभी हम यहाँ आए, यहाँ से हम लोग इटावा जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे, आप भी जोड़िए। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरिए, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। जैसे मनीष भाई ने केंद्र खोला, अपना केंद्र खोल सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, उस पर मेल करेंगे, आपको इस तरह का बैनर आ जाएगा, आप बैनर अपने यहाँ पर लगा सकते हैं। ये बैनर पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, आप अपने यहाँ पर बैनर लगाइए, केंद्र खोलिए, किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं लेना और किसी को पैसा देना भी नहीं है। कर्जा माफी का प्रयास किया जाएगा, जो किस्त भर सकते हो किस्त भरते रहे, कर्जा मुक्ति के नाम पर कोई पैसा ले या पैसा मांगे तो उसकी कंप्लेंट करें। ये अभियान निशुल्क है, हम लोग निशुल्क ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आभार आपका, और आप लोग भी संगठित रहिए, मजबूत रहिए, यकीनन हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अपना कीमती समय निकाला सर ने, बहुत बहुत धन्यवाद।